वेलकम बैक टू चैनल इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज के जो ये वीडियो है हमने नवंबर स्टडी प्लान बना लिया है हमें दो महीने में पंद्रह जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो ये वो वीडियो है जो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएगी इस समय पे बच्चों को सबसे बड़ी टेंशन क्या है यू हैव टू मैनेज योर ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट फाइल योर स्कूल अगर स्कूल खुल गया है तो उसके साथ साथ मम्मी का काम करवा रही हैं उसके साथ साथ क्या है आपको थोड़ा सा फ़ोन में भी लगने का मन कर ही जाता है एंड ऊपर से तुम्हें छः से सात घंटे अपनी पढ़ाई के निकालने ऑन द रेगुलर बेसिस सो दैट यू कुड कम्प्लीट योर सलेबस और यू कुड डू योर रिविजन तो भैया क्या करें क्या किया जाए सुबह तो स्कूल वाले ध्यान नहीं छोड़ते हमारी हम अटेंड करनी करनी है क्लास ठीक है एक बात तो ये होती है ऐसा टाइम टेबल बताऊंगी आज तुम्हें जिसके साथ तुम स्कूल भी अटेंड कर लोगे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर लोगे और साथ ही के साथ आराम से सात घंटे एक दिन के पढ़ सकते हो ठीक है तो ये टाइम टेबल है मेरे नाइट आउट्स के लिए देखो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो तो सुबह आराम से उठ जाते हैं जो आजकल देख रहे हैं कि सुबह चार बजे उठ के तुम्हारी लाइफ बदल सकती है तुम पाँच बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दोगे तो सुबह उठने वाले बच्चे तो वो इस वीडियो को ना देखें एंड ना ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छिड़ाए कि आप लोग सुबह बहुत आराम से उठ जाते हो बिकॉज मैं और मेरे नाइट आउल्स हम लोग ये नहीं कर सकते एंड ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं देखो हाँ भैया सही बात है बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने कहा है सुबह उठ के आप लोग पढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी बट ये टाइम ये आखिरी के तीन महीने बेटा एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है तो मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो इधर उधर से देख के सुबह चार बजे उठने का लगाना अलार्म मेरे वाले टाइप के बच्चे ये नाइटाउस बच्चे आधे से ज़्यादा बच्चों को आजकल आदत होती है रात को उठने की क्यों देखो मेरे बचपन से ये हाल है जब हम छोटे थे जब हम बेबी थे तब भी पूरी पूरी रात तीन तीन बजे तक अपनी मम्मी से पूछ लो, ना रो रो के मम्मी का बुरा हाल करते थे तुम नहीं सोते थे तब भी तीन बजे तक ठीक है फिर बड़े हुए तो तुम्हारे बंदे बंदियों ने तुम्हें नहीं छोड़ा तुम आराम से रात को चैटिंग कर रहे हो जब सब सो गए हैं मज़े में या फिर फ्रेंड से ही कर रहे हो बंदे बंदी नहीं है तो या फिर तुम पबजी या फ्री फायर खेल रहे हो मेरी तरह ठीक है तो हमने अपना रूटीन बना लिया सो वी हैव टू चेंज ठीक है तो जैसे तुम्हें चेंज होना पड़ेगा हम पुराने ख्यालों में नहीं जी सकते तो जो भी बच्चे हैं जो तो मेरे साथ हैं जो तो रात को पढ़ के भी आग लगाना चाहते हैं पेपर में तो वो इस वीडियो को फुल ऑन देखेंगे एंड शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ ठीक है तो हाँ मैं कहा थी ऋषि ऋषिमनियों ने कहा है बड़े बड़े लोगों ने कहा सुबह उठोगे सक्सेसफुल हो गए भैया करना ट्राई करना सुबह उठने की मैंने भी करा है ट्राई करना जब आप कॉलेज में आ जाओगे बट अभी ये जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं और दसवीं वाले बच्चे और नाइन्थ एंड एलेवंथ वाले तुम करना चाहो कर लेना ट्राई ठीक है तुम्हारे समय नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का लगाना सुबह चार बजे का अलार्म चार बजे का अलार्म फिर तुम कहोगे यार स्नूज कर देता हूँ मैं अलार्म बोलती हूँ मजाक में उड़ाना अलार्म नहीं बोलती हूँ ठीक है तुम स्नूज कर दोगे पाँच मिनट का अरे भी पाँच मिनट में उठ रहा हूँ फिर साढ़े चार बजे का तुम कहोगे अरे अभी उठ रहा हूँ फिर साढ़े चार बजे के बाद अरे पाँच बजे उठ जाऊँगा पाँच से यार आठ बजे तक पढ़ लूँगा तीन घंटे की पढ़ाई हो जाएगी सही है नहीं उठते कहीं बच्चे पाँच बजे यार मैं उठूंगा भी ना तब भी मेरे से पढ़ाई होने नहीं वाली है नींद आती रहेगी इससे तो टाइम वेस्ट करना है अब सो जाता हूँ शाम को पढ़ लूंगा अच्छे से दिस इज द थिंग जब आप एक्सपेरिमेंट स्टेज नहीं है गाइस ये ये तीन महीने तुम्हें अपना बेस्ट देना है तो इस समय पे ऐसे काम की शुरुआत मत करना जो तुमने आज तक नहीं करा है ये सारे मेरे नाइट नाइटॉल से बात हो रही है हम पूरी रात पढ़ के सात घंटे का टाइम निकाल के ना एग्जाम में आग लगाएंगे पेन से किससे पेन से तुम्हारे ठीक है तो वेर आई वॉज हाँ फिर मैं उसी बात पर आ गई हूँ बड़े बड़े लोगों ने कहा है सक्सेसफुल हो जाते हैं सुबह के सुब के सक्सेसफुल होते हैं बट but... वो लोग कौन थे जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के जो कैंडल लाइट में बैठ के यूपीएससी क्लियर करते इंजीनियर बनते हैं डॉक्टर बनते हैं हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ए बीजे अब्दुल कलाम वो भी तो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ते थे तो दैट मीन्स दे वर द नाइट आउल्स तो समझ रहे हो ना मेरी बात को तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमने किसका सुन लिया कि कौन सुबह की रोशनी में पढ़ के आगे निकल गया हमने तो भैया बचपन से यही सुना है मैंने तो यही सुना है जी ये स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ा था ये मोमबत्ती में बैठ के पढ़ा था रात को पढ़े थे तभी स्ट्रीट लाइट और मोमबत्ती की जरूरत है दोपहर में तो इधर उधर काम में ही लगे रहते होंगे वो भी और ऐसी हालत इस समय पर हम ट्वेल्थ वालों की है हमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है हमें ट्यूशन जाना है हमें मम्मी का काम कराना है और सब कुछ करना है तो भैया रात हमारी है सारी रात पढ़ के हम करेंगे एग्जाम में टॉप सौ में से सौ नंबर हर बार चले कर आएगा तो यहां तो मैं टाइम टेबल बता रही हूं तो ये अपने आप को ना कुछ गिल्टी फील कराने की जरूरत नहीं कि तुम नहीं उठ पा रहे हो कोई बात नहीं भैया जैसे वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे ना वैसे कोई नहीं हम अपने कमरे की ट्यूबलाइट में पढ़ के टॉप मार देंगे डोंट फील डिस मैं भी नहीं पढ़ी तुम भी मत पढ़ना कब सुबह रात को पढ़ती थी बहुत ज़्यादा ठीक है तो लेट्स स्टार्ट आर टाइम टेबल तो ये ये चीज़ मैंने तुम्हें पूरी ये कथा क्यों सुनाई है जैसे कि तुम खुद को डिसाइड ना करो कि तुम चार बजे ट्राई कर रहे हो दिस इज़ नॉट अ ट्राई स्टेज ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स सो योर सेफ जोन इज श्रिंकिंग ये जो सारे पबजी फ्री फायर बॉयज़ एंड गर्ल्स तुम्हारा जो ये सेफ जोन है ना अब ये श्रिंक हो रहा है अब ये पास आ रहा है अभी तुम्हारे हर स्कूल ने कह दिया है कि कोई पोस्टपोन नहीं होने वाले एग्जाम ठीक है तो अपने मन में से ना निकाल दो बहुत ही टेन परसेंट चांस है तुम्हारे पोस्टपोन होने के एग्ज़ाम मार्च के एंड तक एग्जाम हो जाएंगे तो हमारे पास दो से तीन महीने बचे हैं तुम्हारा सेफ जोन हो रहा है श्रिंक ओके बॉयज एंड गर्ल्स सो गेट स्टार्ट स्टार्टिंग ठीक है तो अब स्टार्ट करते तुम्हारा टाइम टेबल एज यू नो नाइट ऑल से बात कर रही हूँ मैं तो हम रात से ही शुरू करेंगे तुम्हारी शिफ्ट के साथ कि किस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे रात के नौ बजे से स्टार्ट करेंगे हम लोग एंड आई टेल यू दैट किस तरीके से आप अपनी फुल ऑन पढ़ाई करोगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सारी रात पढ़ने की निंजा टेक्निक अब नौ बजे तक आपको खाना खा के पढ़ने बैठ जाना है कब रात के नौ बजे तक पेपर निकालो पेन निकालो लिखनी शुरू कर दो ठीक है रात के नौ बजे तक खाना खा के अच्छा सा अपना साढ़े आठ तक खाना खा लो कि वो भी बताऊंगी खाना कब खाना है यू विल गेट रेडी टू स्टडी ठीक है सबसे पहले तुम नौ से ग्यारह बजे पढ़ोगे नौ से ग्यारह बजे पढ़ोगे सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट निकालना अपना और अभी तो इफ़ यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू माई प्लान आई एम स्टिकिंग टू वन सब्जेक्ट फॉर टेन डेज ठीक है ऐसा होता है कि फिर हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है भैया इतना मेरा निपट गया ऐसे मैंने करके साइड में रख दिया इधर से काउंट एजेंसी को जो भी तुम्हारा प्रायॉर्टी सब्जेक्ट है तो अपना प्रायोर्टी सब्जेक्ट उठाना एंड उसके जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसे लर्न करना स्टार्ट कर देना मैंने लॉन्ग आंसर को लर्न करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है जो काफ़ी बच्चों को हेल्प करी है वीडियो डाल दूंगी आई टैप के अंदर जाके देख लेना लॉन्ग आंसर लर्न कैसे करते हैं ठीक है थीके? एक एक लॉन्ग आंसर तुम्हें मतलब मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ ना विद इन टू टू थ्री मिनट्स तुम्हें लर्न हो जाएगा अपने आप लैंग्वेज में तुम आंसर लिख दोगे तो वो देख लेना पहला सेशन कब है तुम्हारा नौ बजे से ग्यारह बजे का आ, वैसे टेक्निकली तुम्हारी सेकेंड शिफ्ट है क्योंकि पहली शिफ्ट बाद में लगेगी ठीक है तो रात के नौ बजे से रात के ग्यारह बजे तक हमारी सेकेंड शिफ्ट है जिसमें हम अपने लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करेंगे क्या करेंगे लॉन्ग आंसर माइंड बिल्कुल एक्टिव स्टेज में खाना खाया है पेट भरा हुआ है बिल्कुल पढ़ने का मन है गाने सुनते हुए पढ़ना होगा तो गाने सुनते हुए पढ़ना बिना गाने सुनते हुए पढ़ना होगा तो बिना गाने सुनते हुए पढ़ना एंड फुल ऑन आपको अपने लॉन्ग आंसर्स लर्न करने हैं उसके बाद 11 से जब वगैरह टेक अ स्मॉल ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक है 15 मिनट में नेक्स्ट वाला जो काम करना है उसकी कॉपी ला के रखना अगर थोड़ा सा हाइड्रेटेड होना एज आई टोल्ड यू हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा दूध पी लेना चाय पी लेना क्योंकि तुम्हें थोड़ी देर और जगह रहना है कॉफी पी लेना अगर तुम्हें अच्छी लगती है कॉफ़ी तो मैं तो कॉफ़ी ही पीती हूँ ठीक है कुछ थोड़े चिप्स विप्स लेकर आ गए जैसे हम खा लिया क्योंकि पढ़ते पढ़ते बार बार भूख लग जाती है नौ बजे का खाना खाया हुआ है कुछ थोड़ा बहुत खाने का मन कर जाता है ठीक है स्ट्रेचिंग वैचिंग कर लेना नोट्स अरेंज करना अपना खाना चौकोपॉय वगैरह साथ में ला रख लेना कि बाद में खा लेंगे ठीक है डन तो ये पंद्रह मिनट अपने यूटिलाइज करने हैं फ़ोन में कुछ देखना था देख के आ गए अपना सवा ग्यारह बजे फिर से पढ़ने बैठ जाना और सवा ग्यारह से एक बजे तक ना हिल न मच जहाँ पर बैठे हो सरी टेबल पे बैठे हो तो सरी टेबल पे और बेड पे अपना टेबल लगा के बैठे हो तो वहाँ पे हिल मत जाना एक बजे तक और तुम आराम से यहाँ पे अपनी जो थर्ड शिफ्ट है वो लगाओगे ठीक है कितनी देर निकल रही है तो तुम्हारी अगर हम टेक्निकली देखे तो तुम्हारी जो सेकंड शिफ्ट है ये नौ से ग्यारह वाली दो घंटे ही हो गए दो घंटे ही हो गए रात को चार घंटे तुम पढ़ लिए एक बजे क्या करना है कॉपी बंद करके सो जाना क्यों उन बच्चों के लिए कह रही हूं एक बजे कॉपी बंद करके सो जाना जिन्हें सुबह उठना है अपने स्कूल जाने के लिए जिन्हें सुबह उठना है अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए ठीक है तो एक बजे तक तुम क्या करोगे यू विल डू योर सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है वो कर लेना या फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अब तुमने एक चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स तो लर्न कर लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके लॉन्ग आंसर रीड करना स्टार्ट कर देना लर्न करना शॉर्ट आंसर्स करना ठीक है तो अकॉर्डिंग टू यू प्रायोरिटी तो एक ही सब्जेक्ट मैं चलवा रही हूँ दूसरा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं माता पिता तुम्हें रात को पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे हैं तो उन्हें मेरी वीडियो दिखा देना आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स दैट अलाउ योर चिल्ड्रन ठीक है और एक बात ये भी होती है कई बार पेरेंट्स मोबाइल फोन के चक्कर में तुम्हें रात को पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो डू वन थिंग जो तुम्हें वीडियो देखनी है यूट्यूब की वो तुम जो तुम्हारा ये शाम वाला सरी सेशन होगा उसमें देख लोगे ठीक है जो तुम्हें नोट्स वगैरह लेने थे प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लो रात को फ़ोन दे देना मम्मी को मम्मी फोन रख लो मैं पढ़ूंगी रात को ही अगर लड़कियों को दिक्कत है रात को फोन नहीं दे रहे या लड़कों को दिक्कत है मम्मी कहेंगी तू तो अगर गर्लफ्रेंड से लगा रहेगा पढ़ने वाला तो तू है नहीं ठीक है तो मम्मी को फोन देना ना तीन दिन तुम फोन दोगे ना और वो आते जाते तुम्हें पढ़ते हुए देखेंगे जब वो जा रहे हैं वॉशरूम जा रहे हैं पानी पीने जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं मम्मियों का काम होता है पीछे छुप छुप के आगे देखते हैं पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ठीक है तो वो जब वो तुम्हें पढ़ते हुए देखेगी ना तीसरे दिन खुद लाके फोन हाथ में देंगे बेटा कुछ देखना होगा तो देख लियो ठीक है तो अगर पेरेंट्स का साथ ये मसला है तुम्हारा कि मोबाइल नहीं देने देते हैं और तुम्हें पढ़ना होता है तो तीन दिन मोबाइल दे दो तो चौथे दिन मोबाइल हाथ में मिल जाएगा मेरे साथ हुआ था ऐसा अल टेल यू वन डे ठीक है अभी बताऊंगी उसके बाद एक बजे सो जाना जिसको सुबह उठ के अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है अब आ जाओ प्रोजोन के बच्चे जो ऑनलाइन क्लास बंक मार सकते हैं मजे में जो स्कूल नहीं जाने आराम से दो बजे तक पढ़ना एक एक से दो के टाइम में हमें क्या करना है हमें धीरे धीरे वाले काम करने हैं सारे शॉर्ट आंसर्स उठा लेना मैंने शॉर्ट आंसर्स की वीडियो डाली है ठीक है शॉर्ट आंसर उठा लिए मैप उठा लिए नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल उठा लिए कॉमर्स वालों ने साइंस वालों की बात करो तो जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं एक घंटा आप अपना वो उनको स्टडी करना जो भी आप कर सकते हो ठीक है एंड ह्यूमैनिटीज वाले तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है हर एक तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज चल गई है इधर तो हमारे जो मैप क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करो ये एक से दो रेड में मैंने इसलिए लिखा है जो करना चाहे करे जिसको नहीं करना ना करे एक बजे सो जाना एक बजे सो के सुबह कितने बजे उठोगे तो ये आखिर बना दिए मैंने एक बजे सोओगे और सुबह के आठ बजे उठ जाओगे एक बजे सो के आठ बजे उठ जाओगे कितने घंटे मिल रहे स्लीप के सेवन आवर्स भैया इनअेयर डल्ट के लिए ठीक है वो आठ घंटे वाली नींद ना हम ये बारहवीं के बोर्ड एग्जाम्स के बाद ले लेंगे मैं दोपहर में एक घंटा दे दूँगी सोने का तुम्हारे को ठीक है तो अभी सात घंटे सो के अपनी नींद पूरी कर लेना बिकॉज हमें पेपर में कुछ करके दिखाना है हमें वो बड़ी वाली स्माइल एंड यू नो नेक्स्ट चीज़ क्या लेकर आनी है ठीक है तो तुम आठ बजे उठ जाओगे आठ से नौ में नहा दो तैयार होकर नाश्ता करके नौ बजे अपनी ऑनलाइन क्लास लेने टेबल पे बैठ जाओगे या स्कूल जाना होगा तो स्कूल तक जाओगे एंड तीन बजे तक तो हार्डली खाली हो जाओगे नौ से तीन सुबह के नौ से दोपहर के तीन बजे तक यू विल भी जैसे दोपहर के तीन बजे तक यू विल भी डूइंग योर स्कूल यू विल भी डूइंग योर ऑनलाइन क्लासेस यू विल भी डूइंग योर कोचिंग अगर आप साइंस की साइंस के बच्चे कोचिंग अटेंड करते हैं स्कूल वो कई बार नहीं जाते तो वो कोचिंग होने लेनी होती है तो आप वो सब काम नौ बजे से तीन बजे तक कर सकते हो बीच में खाना भी खा सकते हो बिकॉज लैपटॉप चल रहा है सामने अगर तुमने थोड़ी दो मिनट को वीडियो ऑफ करके खाना खा लिया तो इट वुड बी इनफ फॉर यू तो तीन बजे तक आप लोग फ्री हो जाना अपना सेटल करो अपना ऐसा रूटीन के बारे मुझे तीन बजे तक ये ऑनलाइन क्लासेस से फ्री होना है ठीक है अगर कोई बाद वाली क्लास है तो जस्ट स्किप इट भैया स्किप करो और जब स्किप कर रहे हो क्लास को चाहे पहले वाली चाहे बाद वाली अपने पेरेंट्स को बता दो मम्मी को प्रॉब्लम बताओ मम्मी अगर मैं ऑनलाइन क्लास करता रहूँगा तो सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा तो उनको समझाओ कि कल को अगर टीचर फोन करके कह रही है कि तुम्हारे बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं करी है तो मम्मी कोई बहाना बना पाए मम्मी तुम्हारे लिए स्टैंड ले पाए ठीक है तो मम्मी को भी समझाओ अपनी प्रॉब्लम देखो जो भी कोई प्रॉब्लम है ना वो बात करने से ही बाहर निकलती है अपने मन में टेंशन मत क्रिएट करो गो एंड टॉक टू योर मदर गो एंड टॉक टू योर फादर डैट अगर तुम्हें तीन बजे के बाद भी कोई ऐसा स्कूल है जो दे रहा है तो जस्ट स्किप इट ठीक है सेल्फ स्टडी भी करनी है हमें नौ से तीन में तुम्हारा खाली हो गया हो तो हम खाना भी तुमने खा लिया तीन से चार इज़ योर फ्री टाइम तीन से चार आराम से सोना कोई टेंशन नहीं लेनी है सोना आराम से या फिर इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तुम्हारे ट्यूशन है तो ट्यूशन जाना अगर आप कॉमर्स वाले अकाउंट्स की ट्यूशन है तीन से चार की तो हो आना हमने ट्यूशन ठीक है आराम से साढ़े चार बजे तक तुम फ्री हो जाओगे एक घंटे की ट्यूशन होती है चार बजे ट्यूशन से आओगे आधा घंटा रास्ते में वापस आने में लग जाएगा या जो भी है साढ़े बजे तक कॉफ़ी वॉफी पी के अपना आराम से यू विल बी फ्री और यहाँ आएगा तुम्हारा स्टडी सेशन कौन सा स्टडी सेशन है तुम्हारा टेक्निकली तुम्हारा फर्स्ट स्टडी सेशन है पर मैंने रात से टाइम टेबल शुरू करा था तो हमें अब ये दिख रहा है तो हैबिट दैट साढ़े चार बजे तक शाम के साढ़े चार बजे तक अब शाम हो गई है स्कूल भी कराए तुम खाना भी खा लिया तुम सो भी गए तुमने चाय भी पी ली शाम के साढ़े चार बजे तक तुम्हें पढ़ने बैठना है अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने हैं या फिर तुम्हारा अकाउंट्स है या फिर तुम्हारी पॉलिटिकल है या तुम्हारी हिस्ट्री जिसके बहुत चैप्टर पढ़े या आप साइंस के स्टूडेंट हो जो भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो साढ़े चार बजे शाम को लेके बैठ जाना यू विल बी एनर्जेटिक क्योंकि सुबह से तुमने पढ़ाई नहीं करी है तुम पढ़ाई करने के मूड में भी हो गे, तो गेट योर प्रायोरिटी सब्जेक्ट एंड साढ़े चार से साढ़े सात तक तुम आराम से बैठ के पढ़ोगे कितनी देर मिल रही है साढ़े चार से साढ़े पांच साढ़े पांच से साढ़े छह साढ़े छह से साढ़े सात तीन घंटे में क्या तुम एक चैप्टर नहीं निपटा सकते या तीन घंटे में क्या तुम कुछ परसेंट नहीं कर सकते तो यह तुम्हें तीन घंटे यहां भी मिल गए साढ़े बजे उठ जाना This get up. साढ़े सात बजे उठ गए साढ़े साठ से आठ बजे इन्जॉय करना प्रोजेक्ट फाइल का कोई काम करना है वो करना दोस्त से कुछ बात करनी है वो करना मम्मी की हेल्प करानी है वो करना मम्मी से बात करनी है वो करना आठ से नौ इज़ ऑल्सो योर फैमिली टाइम डिनर विनर करके एज यू नो दैट नौ बजे तुम्हें दोबारा पढ़ने बैठना है ठीक है तो मैंने एक ऐसा अभी मैं यहाँ पे एक घंटा और पढ़ने का डाल दी थी तो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल ठीक है सात घंटे भी पढ़ो इनफ है ठीक है और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास स्किप कर सकते हैं तो तुम शुरू के टाइम में एक डेढ़ घंटा और निकाल लेना गाइज अगर तुम सात से आठ घंटे भी पढ़ रहे हो तो दैट इज इनफ तो दिस इज अ टाइम टेबल दैट इज गिविंग यू एवरीथिंग एक बार टाइम टेबल रिवाइज करते हैं तो यहां अगर मैंने फर्स्ट शिफ्ट लिखी है तो टेक्निकली तो देखो ये तुम्हारी फर्स्ट शिफ्ट ही नहीं हुई ना सबसे पहले तुम शाम को साढ़े चार से साढ़े सात पढ़ोगे ठीक है आराम से पढ़ोगे साढ़े सात बजे उठ के तुम आराम से अपने मजे वजे करोगे और खाना वाना खा लोगे मम्मी से बातें कर लोगे मम्मी का काम करवा दोगे ऑनलाइन अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो बन तैयार कर लोगे बिकॉज अभी प्रोजेक्ट्स भी हैं बच्चों के सर पर ठीक है तो ये सब कुछ करके आपको नौ बजे तक फ्री हो जाना है तीन घंटे पढ़ने के बाद नौ बजे फ्री होगे। यू विल आ, स्टार्ट योर स्टार्टिंग नौ से एक बजे तक का तुम्हारा नेक्स्ट स्टडी सेशन चलेगा जिसमें तुम्हें चार घंटे मिल रहे हैं चार तीन कितने हो गए सात हो गए ना सात घंटे सात घंटे पढ़ लेना बस हो जाएगी पेपर में आग लगा दोगे एक बजे सो के सुबह आठ बजे उठोगे तुम सात घंटे की नींद है इनफ है फॉर एन एडल्ट और दोपहर में भी तुम एक घंटा मैंने सोने का दे दिया तो वो आठ घंटे तुम्हारी पूरे हो गई है नींद और तुम दोपहर में सो लोगे एक नैप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार जो हमने पढ़ा होता है जो हम सोते हैं तो जो हमारा माइंड है उसे डाइजेस्ट कर लेता है स्लीप इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट तभी जब तुम ये एक बजे पढ़ के सोओगे ना तो जब तुम सुबह उठोगे जो तुम जो कुछ भी तुमने रात को लर्न करके सोए होगे ना वो सब तुम्हें याद आ जाएगा एक्सपीरियंस मैं गाना लर्न कर रही थी मैं एक डिफरेंट लैंग्वेज का सॉन्ग लर्न कर रही थी मैंने लर्न कर लिया एक डेढ़ बजे की बात थी लर्न करके मैं सो गई मुझे ऐसा जब रात को सोते सोते मैं रिवाइज कर रही थी गाने को नहीं आया मुझे समझ बट जब मैं सुबह उठी तो वो गाना मेरे टिप्स पे था मतलब मैं वो गाने को गा पा रही थी क्यों रात को तो मुझे लग रहा था मुझे नहीं हुआ बट जब मैं सुबह उठी तो वो मुझे लादा वाई बिकॉज जो हमारा माइंड होता है वो रात को जो फैक्ट्स हमें लर्न करे जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न करे उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है तो ये जो नौ से एक बजे तक की तुम्हारी पढ़ाई होगी ना उसके बाद तुम सो जाओगे और सुबह उठोगे तो वो सब कुछ तुम्हें याद होगा तो एक बार और देख लो यहाँ कोचिंग टाइम भी मिल गया तुम्हें चार से पाँच और तुम्हें स्कूल का टाइम भी मिल रहा है ऑनलाइन क्लास का टाइम भी मिल रहा है मम्मी के साथ काम कराना ये साढ़े सात से नौ बजे तक मम्मी के साथ काम भी करा सकते हो जो मम्मी से बातें करनी है वो भी कर सकते हो पापा से बात करनी है वो भी कर सकते हो सो एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस टाइम टेबल विद सेवन आवर्स ऑफ स्टडी सेवन आवर तो पढ़ो ठीक है एंड इफ़ यू कैन स्किप द ऑनलाइन क्लास भैया स्किप करो ना ऑनलाइन क्लास और यू अटेंडिंग ठीक है ट्राई करो मैं पता क्या करती थी दिस इज द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी कोई स्कूल वाला वीडियो देख रहे है, तो प्लीज बुरा मत मानो मैं बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे रही हूं एट टाइम्स ये सेल्फ स्टडी का टाइम हमारा आ गया है इफ़ यू हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया है। चाहे यूट्यूब से चाहे अपनी क्लास टीचर से चाहे किसी भी चीज से नाउ दिस रिजॉर्ट टू योर सेल्फ स्टडी ये सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया है। इस समय पर मैंने अपने स्कूल में क्या करना शुरू करा था मैं स्कूल नहीं जाती थी मैं तो तीन बजे तक पढ़ती थी आराम से और मैं सुबह दस बजे उठती थी ठीक है तो मेरा ये रूटीन था मैं एक बजे नहीं सोती थी दो घंटे और रात में मैं कंज्यूम कर लेती थी और दस बजे उठ जाती थी अब तुम सोचो कि दीदी स्कूल नहीं जाती थी हाँ मैं नहीं जाती थी स्कूल सेवेंटी फाइव परसेंट तक मेरी अटेंडेंस पूरी हो गई थी नहीं भी हुई थी तो स्कूल वाले कर देते हैं ठीक है एंड मेरी जो इकोनॉमिक्स की मैम थी वो रोज क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाती थी एंड वो रोज क्लास में आगे पूछती थी मिस का है, मिस रोज शी यूज़ टू कॉल मी लाइक दिस ओनली एंड मेरी क्लासी थी वो मुझे डांटती थी, थी आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो तो मैंने बहाना पता क्या बनाया कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल नहीं आने देते हैं सीरियसली मैंने यही बहाना बनाया मेरे मम्मी को बोला मम्मी मैं स्कूल में ऐसे बोलूंगी कि आप लोग मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे हो और मैम का फोन आया तो कुछ भी कह देना कि हाँ मैम ये घर पे सेल्फ स्टडी करती है कुछ काम है घर में कोई छोड़ने लाने वाला नहीं है ऐसे ऐसे कोई बहाने बना देना मुझे रोज में स्कूल नहीं जाती थी इको वाली मैम ने बोला कि पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है आप स्कूल क्यों नहीं आते तो मैं कहा मैम मम्मी कहती है कि घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो अब तुम्हें स्कूल लाने का कोई फायदा नहीं होने लाला मैम ने भी दो दिन पूछा तीन दिन पूछना खत्म कहा नहीं यार कोई इतना हेडक नहीं लेगा तुम्हारे लिए तुम्हें लेनी है अपनी हेडक तुम्हें लानी है बस सोल्यूशन ठीक है तो इधर बंक बंको ऑनलाइन क्लास प्लीज़ बुरा मन मानना ठीक है इधर गो अवे विद योर स्कूल जो भी कुछ करो तुम ठीक है इस समय पे अगर तुम तो यहाँ नौ से तीन जो तुम्हारा स्कूल टाइम है इसमें इस भी अगर एक घंटा निकाल लोगे पढ़ाई का तो भैया क्या दिक्कत है आठ से नौ घंटे बन सकते हैं पढ़ने के और आठ से नौ घंटे पढ़ लिए ना तो बोर्ड में एक लेकर दिखाओगे तुम सारे के सारे बच्चे ठीक है तो डोंट मेक इट अ प्रेशर है तुम्हारे पास टाइम नहीं है ये कैसा टाइम टेबल है हर चीज़ का तुम्हें टाइम मिल रहा है जिस बिकॉज दिस आर फॉर द दिस इज़ फॉर the नाइट आउल्स ठीक है मैं थक गई हूँ बोल बोल के अब तो नाइट आउल्स अपने आप को डिसाइड मत करो हमारे पास ज़्यादा टाइम है पढ़ने का जो हम रात को पढ़ के सोते हैं ना वो सुबह हमारी टिप्स पे होता है ठीक है तो लेट्स एंड टो डेज वीडियो दिस वॉज ऑल अबाउट टो डिस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मेरी नवंबर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं बच्चे एंड जो भी मेरी टेक्निक्स लर्न करने वाली फॉलो कर रहे हैं ओके okay? तो आई टैब में आप जाके देख सकते हो मैंने सब कुछ पिन कर रखा है जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एंड आपकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आई हैव अटैच सो गो एंड दिस कम्प्लीट योर सिलेबस एंड सेफ जोन इज श्रिंकिंग सो बॉयज एंड गर्ल गेट स्टार्ट स्टडिंग ठीक है तो विद दिस आई मैनिंग टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फोर टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड आई एम फॉर्मिंग यू अब क्या आने वाला है चैनल पर अब आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल्स हैं उनकी वीडियोज आएगी एंड देन यू विल बी गेटिंग इंग्लिश के हर एक चैप्टर के एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है इंग्लिश का अब की बात पैटर्न चेंज हो गया हमारे एग्जाम का वी आर गेटिंग टन्स ऑफ एम सी क्यू क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गया चालीस मार्क का नंबर तो वो चालीस मार्क तुम्हारी जेब में मैं रखवा दूंगी बिकॉज आई बी अपलोडिंग फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स के अलग एम सी क्यू विस्ताज बुक के चैप्टर्स के अलग एम सी क्यू पोएम्स के अलग एम सी क्यू इतने एम सी क्यू हम करेंगे ना कि अगर तुमने चैप्टर दो बार भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं दीदी ने सारे एम सी क्यू करा दिया और एम सी क्यू की वीडियो ना खाना खाते हुए भी पढ़ लोगे तो कोई तुम बोर नहीं होने वाले ओके डन सो विद दिस हाई मिनिंग टू दिस वीडियो इन्फॉर्म कर दिया मैंने अभी तीन चार दिन में क्या आने वाला है चैनल के एंड सोशलॉजी साइकोलॉजी खत्म होने वाली हैलीस इज कम ओके सो जस्ट वेट फॉर द इको जस्ट आफ्टर कम्प्लीटिंग दिसको एंड सोशलिक्स ट्वेल्थ सो जस्ट वेट फॉर दीडियो बेस्ट ऑफ ऑल द कॉमर्स साइंस एंड मेरे प्यार ह्यूमानिटीज के बच्चों ठीक है सो बबाई टेक केयर एंड टेन स्टूडेंसो और अगर नाइन्थ एलेवंथ के बच्चे भी टाइम टेबल फॉलो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं सो बब बाई टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल